हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 4.1 करते हैं चैप्टर 4 का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। तो देखो जरा एग्जांपल 4.1 में क्या कहता है। कहता है अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ ऑफ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। देखो जैसे ये आपको यहाँ पर जो बुक में, एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके से डायग्राम दिया होगा, आप इसको ना इस तरीके से बनाओ। देखो जैसे ये है एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, इस तरीके से समझो इसको, और इसमें जो है करंट आई जा रहा है और इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है एक एम जी की, और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड मतलब समझ गए, इन टू द पेपर, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, ये तो पता है आपको साइन, ठीक है। और लेंथ है इसकी एल, क्लियर, जैसे यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक। ये कह रहा है इट इज़ सस्पेंडेड इन द मिड एयर, ये हवा में लटकी हुई है, बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है, और उसकी वजह से ये मिड एयर में है, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी आपको बताना है, क्लियर। अगर आपको याद हो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपको याद हो, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू में क्या था हमारे पास, B, इस तरीके से लिखते थे हम इसको, इस तरीके से IL(B)(sin(θ), इस तरीके से लिखते थे अगर याद हो आपको, ठीक है ना। इस तरीके से होता था वेक्टर फॉर्म में, I और L×B, इस तरीके से लिखते थे अगर याद हो आपको, ठीक है ना। अब ये जो यह है थीटा है, ये थीटा किसके बीच में होगा, यहाँ पर ये जो लेंथ दी हुई है, लेंथ क्या एक तरह से करंट और मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हो। लेंथ क्यों बोलते हैं हम इसमें, क्योंकि ये पूरा आई और एल, अगर आपको याद हो जैसे हमने बायोट सावर्ट्स लॉ में पढ़ा था, IDL क्या होता है हमारा, करंट एलिमेंट होता है ये, ठीक है ना। तो ये पूरा ही हो गया, ठीक है ना, ये और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारा, थीटा होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब इसको समझो, ये क्या कहने की कोशिश क्या कर रहा है, ये आपको कह रहा है ये हवा में कैसे है। देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपको पता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल में ये क्या है, फादर मदर चाइल्ड, मतलब फोर्स F हो गया फादर, मदर M मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट की डायरेक्शन चाइल्ड, इस तरीके से हम करते थे। अब देखो जरा इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनवर्ड कर दिया। और करंट की डायरेक्शन इधर है, तो ये मैंने ऐसे घुमा दिया, देखो करंट की डायरेक्शन ये हो गई और मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन इस साइड हो गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये देखो फोर्स ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो यहाँ पर ऊपर की तरफ होगी, ये F जो कि है हमारी क्या, IL(B)sin(θ), ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर लगी फोर्स। और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ये कौन सी है हमारी, MG, ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती है, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस होंगी तभी तो ये हवा में लटकेगा, क्लियर। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एक तो ये हो गई फोर्स और एक हो गई हमारी MG, ये दोनों इक्वल फोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो MG इज इक्वल टू में क्या हो जाएगी हमारी, IL(B)sin(θ), और साइन थीटा कितना मैंने आपको बता दिया, 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो ये रहा, ठीक है, और ये जो लेंथ है, ठीक है ना, जो लेंथ है ये हमारी ऐसे है, तो ये 90 डिग्री हो गया इनके बीच में, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो लेंथ यहाँ वेक्टर हम लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये कई बच्चों को कन्फ्यूज रहती है कि आई और एल में से एल ही क्यों वेक्टर लिया, ठीक है। देखो आई को तो हम लिख ही नहीं सकते वेक्टर, क्योंकि हमें पता है ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि डायरेक्शन बताता है लेकिन फिर भी कुछ क्वांटिटीज जो है हमारे लॉ फुलफिल नहीं करता है वेक्टर के, इस वजह से हम ये कहते हैं, ठीक है ना। तो एल को हमने वेक्टर ले लिया उसके जगह, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें कुछ ना कुछ लेनी ही है बी के साथ, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंडक्टर की तो डायरेक्शन लेनी है, तो हम एल वेक्टर से लिखते हैं, क्लियर है। इतनी बात बताओ, समझ में आई, ये हवा में कैसे है ये भी समझ में आ गया आपको, बैलेंस हो रही है ये दोनों फोर्सेज, इस वजह से ये हवा में है इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है, ये ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इस तरीके से, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है। तो एम कितना है हमारा, मास है 200, तो 200 ग्राम है अगर, तो इसको हम केजी में करेंगे, 200/1000 केजी, कितना बन जाएगा ये हमारे पास, 0.2 केजी, ठीक है। और जी हमें पता ही है 9.8 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारा करंट, करंट कितना है हमारे पास, 2 एम्पियर का, अगर आप वहाँ देखोगे करंट कितना है, 2 एम्पियर का है, तो ये 2 हो गया। लेंथ हमारे पास 1.5 मीटर की है, क्लियर, 1.5 मीटर है। और साइन 91 होता है, और बी तो हमें निकालना है, साइन 91 होता है, ठीक है। तो देखो 1.5 × 2 3.0 बनेगा, इंटू में बी, और ये 0.2 × 9.8, तो देखो इसका भी पॉइंट हटाया हमने, 9.8 का भी पॉइंट हटाया, और ये 3 इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3.0 है इसका, पॉइंट हटाऊंगा 10 लगाऊंगा तो ये 3 ही बन जाएगा, 3 इधर आ गया, क्लियर। अब देखो जरा इसमें अगर हम देखें तो ये 98 को 2 से करोगे तो 196/3 × 100 आएगा, ठीक है। और इसको जब आप डिवाइड करोगे इससे तो ये बनेगा आपके पास 65.3, डिवाइड करके देख लेना, और अपॉन में 100, ठीक है, और ये 100 हटाओगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 65.653 टेस्ला। और इसको अगर हम उसी में लिखेंगे जो कि हमारी बुक में है आंसर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.65 टेस्ला, 3 को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, और बुक में जो नोट करके लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने यहाँ निग्लेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है आपके पास 4.5 इंटू में 10^-5 टेस्ला, -5 है, तो ये तो बहुत ही कम होता है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। क्या इतनी बात ध्यान में रहेगी आपके, बताओ? ठीक है, तो यही सब वहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप देखोगे, अगर लास्ट में आप देखोगे, इग्नोर करते हैं हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। क्यों? क्योंकि वो कितना होता है हमारे पास 4 × 10^-5 टेस्ला। ठीक है, 4.5 भी नहीं होता, 4 ही होता है सिंपल, 4 × 10^-5 टेस्ला। तो 10^-5 का मतलब तो समझते हो आप क्या है, नीचे 10^5 आएगा। ठीक है ना, तो 1 के आगे कितनी जीरोस आएंगी बताओ, 5। तो ये देख लो पॉइंट कितना बन जाएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 4, तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 इतना टेस्ला है आपके पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए निगलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, आया समझ में एग्जाम्पल 4.1 ईजी था? ठीक है, तो इसको करो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 4.2 करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।